हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गाइस, अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी सेटिंग बताए वो सारी काम की है। आपको एक भी सेटिंग को गाइस मिस नहीं करना है। अगर आप वो सारी सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका फ़ोन 100% ठीक हो जाएगा। मैंने सारी सेटिंग किया हूँ, तब से मेरा फ़ोन एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। गाइस, आप ये फ़ोन कब से इस्तेमाल कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गाइस वीडियो को अभी लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। गाइस, सबसे पहले आपको फ़ोन क्लीनर में आना है। जैसे आप फ़ोन क्लीनर आपका ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से आपको जो जंक क्लीनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जंक क्लीनर को टैप कर देंगे, उसके बाद ये स्कैन होने लग जाएगा। आप स्कैन होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे जो है कैचे फाइल जो है यहाँ पे दिखेंगे आपको। ये पूरा 100% स्कैन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे इसमें जो है 3.41 GB जो है जमा हो गए फाइल, और ये सारे जो है सिस्टम कैचे, ऐप कैचे, ये सारे जो है इनके ही जमा हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने जितने जो भी ऐप्स है, गेम्स है, वो सारे के यहाँ पे MB जो दिखा रहे हैं किसके कितने जो है जमा है कैचे फाइल। तो गाइस, एक कैचे फाइल ज़्यादा जमा होने की वजह से भी आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको आप ज़रूर एक बार क्लीन कर लिया करो। तो मैं यहाँ से जो है इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से जो है क्लीन हो रहा है, और ये क्लीन हो गया मेरा। तो गाइस, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेमोरी बूस्टर, ठीक है। मेमोरी बूस्टर को जो आपको क्लिक कर लेना है। ये मेमोरी बूस्टर वही गाइस जो रैम है, ठीक है। जैसे आप उसको अगर क्लीन कर लोगे, इसमें आप देख सकते हैं जो मेरे 11 ऐप जो बैकग्राउंड में रनिंग है इस वक्त, उसको अगर आप बूस्ट कर लोगे तो रैम एकदम क्लीन हो जाएगा, और रैम क्लीन होगा तो आपका मोबाइल भी एकदम फास्ट चलने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक साथ में जो है नीचे आप देख रहे हैं पूरे 11 ऐप जो है मेरे क्लीन हो चुके हैं बैकग्राउंड से। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है CPU कूलर। गाइस, अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होएगा उसकी वजह से भी मोबाइल हैंग होने लग जाता है, तो इसको बस एक बार टैप कर लेना है और ऑटोमेटिकली जो है कूल हो जाएगा आपका CPU। अगर मोबाइल का CPU गाइस बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट ऑप्शन है बैटरी सेवर। बैटरी सेवर से गाइस जितने भी बैकग्राउंड में जो भी ऐप अगर रनिंग है, अगर आप उस पर एक बार टैप कर लेते हैं आपको उससे गाइस वो ऐप भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी बैटरी भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो गाइस, जब भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाए बस एक ही बार इसको आपको कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उसके बाद जो गाइस आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में जो है ऐप मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत ज़रूरी सेटिंग है गाइस, ज़रूर ध्यान से देखना। जैसे हम ऐप मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐप है, उसमें से जैसे अब मैं फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप अगर फेसबुक को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो इसका स्टोरेज यूसेज है इसमें जो है MB दिखा रहा है, ठीक है। इसमें जो है गाइस देख रहे हैं आप 41 MB जो है कैचे फाइल है, इसको आपको क्लीन कर लेना है। तो इसको क्लीन करने से क्या होगा गाइस, आपके मोबाइल की स्टोरेज भी जो है बहुत सारा बढ़ जाएगी, और अगर इस मोबाइल में स्टोरेज बढ़ जाएगी तो गाइस मोबाइल में हैंगिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो जैसे इंस्टाग्राम का भी जो कैचे फाइल है वो भी मैं क्लीन कर लिया हूँ। अब इसके बाद मेशो है, मेशो का भी जो है कैचे फाइल यहाँ से मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको भी जब भी टाइम मिले जिसकी भी अभी जैसे जितने भी ऐप वगैरह गेम वगैरह रहेंगे गाइस उसके जो कैचे फाइल क्लीन कर लिया करो। और गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप जो भी ऐप या गेम गाइस अगर आप खेलते नहीं या यूज़ नहीं करते हो उसे ज़रूर अनइंस्टॉल कर देना गाइस। उससे क्या होगा गाइस, आपके इसमें स्टोरेज भी बढ़ जाएगा और उसकी जो कैचे फाइल होती है गाइस उसके से मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाता है, और वो आपका मोबाइल हैंग भी नहीं होगा। तो गाइस जो भी आप ऐप या गेम वगैरह जो भी आप खेलते नहीं या यूज़ नहीं करते हो ऐप, तो उसको गाइस अनइंस्टॉल ज़रूर कर देना। उससे गाइस आपके मोबाइल में स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर करके देख लेना ये सारी चीज़। उसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हैं टैब बूस्टर, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है आइकॉन, आप भी यहाँ पे रख लेना। इस पर बस आपको एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली रन होएगा और आपकी मेमोरी जो है ऐसे बूस्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। एकदम सिंपल है, कुछ आपको ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, और आपके देख रहे हैं मेमोरी जो बूस्ट हो गई, उससे आपके मोबाइल में जो परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। और हमेशा जो गाइस आपके जो रिसेंट पेज होते हैं, ठीक है, इसे हमेशा आप क्लीन कर लिया करो, इससे मोबाइल में मोबाइल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस टैप टैप करना है और यहाँ से आप क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको सारी सेटिंग समझ में आई होगी।
गाइस ये सारी सेटिंग आप एक आपके फ़ोन में एक बार ज़रूर करके देख लेना। अगर आपके फ़ोन में कर लोगे तो गाइस यकीन मानिए आपके फ़ोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने सारी सेटिंग करके देख चुका हूँ, मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप भी ज़रूर ट्राई करना गाइस, और आपके फ़ोन में गाइस हैंगिंग की प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।